मेरे साथ हैं हर्बल एक्सपर्ट पायल सिन्हा जी। आपने अपने बिजनेस को जीरो से शुरू किया और आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। मैं इसके तीन सूत्र जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। थैंक यू वनीता। सबके अपने अपने सूत्र होते हैं, लेकिन हम अपना सूत्र आपसे शेयर कर सकते हैं कि एक काम को जो जीरो से शुरू किया, इवन मतलब मीन्स किचन से जिस बिजनेस की शुरुआत करी और जिस बिजनेस में कभी भी किसी से उधार नहीं लिया, लोन नहीं लिया, फैमिली से भी किसी से मनी नहीं लिया, जो कमाया बचाया लगाया, इसलिए अपना अनुभव आपको बता सकते हैं। पहला पॉइंट, अपना फायदा बाद में देखो, पहले दूसरों का फायदा देखो। जनरली उल्टा होता है, बिजनेस माइंड क्या होता है, हर समय सोचता है कि मेरा फायदा कैसे हो रहा है, क्या करें कि जब मेरा फायदा हो जाए। नहीं, हो ही नहीं सकता आपका फायदा। तो दूसरों का पहले आप दूसरों का फायदा सोचिए, अपना फायदा अपने आप होगा। दूसरा, एक कहावत है कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता। हम ये बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। हम तो सारे प्रोडक्ट अपने बनाते हैं, अपने ही यूज करते हैं, और अगर हम अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे अपने से, तो हम आपकी क्या कर पाएंगे, घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारे प्रोडक्ट जो पहले मेरे हैं, या हम जो भी चीज बनाए, पहले हम अपने ऊपर एक लंबा उस पर चलता रहता काम, तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और तीसरा, थंब रूल बना लीजिए कि अगर घर के जो टेंशन, घर के जो पचड़े, घर की जो बातें जो होती रहती है, हर घर में होती है, वो बिजनेस स्पेस पे मत ले जाइए। अब ये लाइन कितनी आसानी से हमने कह दी, उतनी ही टफ है। दिस इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बट पॉसिबल। और बिजनेस का जो पचड़ा है, वहां पे क्या हुआ, वहां क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बिजनेस में हर दिन कोई ना कोई झेलम झेल मस्त लगी रहती है, ऐसी लगी रहती है कि बस आपका दिमाग खिल जाता है। पर वहां की चीजों को, वहां के टेंशन को आप अपने घर पे मत लाएं। यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, घर की बात घर में, बिजनेस की बात बिजनेस में, तब आप जो जीवन जिएंगे ना, तो उसमें मजा आएगा, मजा भी आएगा, बिजनेस भी फ्लरिश करेगा। जब घर वाले संतुष्ट और खुश होते हैं ना, तो वो जो ब्लेसिंग्स एक बहाव के रूप में अपने आपके बिजनेस को आगे ले जाती हैं, उसको रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है।